खबर डोईवाला से है। गुरुद्वारा साहिदा सिगा साहिब नुन्नावाला में कैबिनेट मंत्री चंद्र रामदास व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर के जैन ने किया दरबार साहिब के भवन का शिलान्यास। डोईवाला के नुन्नावाला गुरुद्वारा में कैबिनेट मंत्री चंद्र रामदास व हरिद्वार लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर के जैन ने किया दरबार साहिब के भवन का शिलान्यास। इस अवसर पर क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित तमाम योजनाओं का शिलान्यास कर उत्तराखंड के विकास को गति देने का काम किया। डोईवाला के नुन्नावाला में गुरुद्वारा में अल्पसंख्यक विभाग की ओर से गुरुद्वारा में भवन निर्माण के लिए 86 लाख रुपए की धनराशि दी गई, जिसके अलावा डोईवाला क्षेत्र की तमाम नहर गूर और सीसी रोड निर्माण के लिए भी धामी सरकार ने धनराशि जारी की, जिसका शिलान्यास आज डोईवाला के नुन्नावाला में किया गया। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंद्र रामदास और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि भाजपा की सरकार लगातार क्षेत्र के विकास के लिए धरातल पर काम कर रही है। डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गेरोला ने कहा कि डोईवाला में समस्याओं के समाधान के लिए सभी के साथ मिलकर प्रयास किया जा रहा है, ताकि डोईवाला विकास के क्षेत्र में अग्रणी विधानसभा बन सके। इस अवसर पर डोईवाला गुरुद्वारा के प्रधान गुरदीप सिंह, नुन्नावाला गुरुद्वारा के प्रधान ओमकार सिंह के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र राणा और तमाम सिख समाज के लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। डोईवाला से आशीष यादव की खास रिपोर्ट। अल्पसंख्यक विभाग से जुड़े हुए जो पवित्र स्थान हैं, उनके सौंदर्यीकरण के लिए, उनके निर्माण के लिए हम अल्पसंख्यक कल्याण निधि से पैसा देते हैं। इसी निमित्त इस गुरुद्वारे के लिए भी हमने लगभग 84 लाख रुपया स्वीकृत किया है, जिसका आप विधिवत ढंग से गुरुद्वारा प्रबंध समिति की ओर से आज यहाँ पर शिलान्यास के कार्यक्रम हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी कई योजनाओं को आज हमने शिलान्यास और लोकार्पण किए हैं। मैं इस विभाग की ओर से अपने प्रदेश के सभी जनता का और अल्पसंख्यक से जुड़े हुए सभी संस्थाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। करोड़ों रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन यहाँ पर हुए हैं और इस गुरुद्वारा प्रबंध समिति का ये विशाल हॉल बना है, बहुत सारे निर्माण काम इसमें हुए हैं। मुझे लगता है कि जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास, ये जो अभियान है इसको ऊंचाइयां मिल रही हैं और इसीलिए इतने सारे काम हो रहे हैं। ये गुरुद्वारा या भारत की संस्कृति के प्राण है, ये देश की एकता और अखंडता के भी सूत्र हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है, जो समाज कल्याण मंत्री हैं, जिनके तहत अल्पसंख्यक कल्याण भी है, तो जनजाति भी है, तो अनुसूचित जाति भी है, तो उनके नेतृत्व में और पुष्कर धामी मुख्यमंत्री के